और आदाब दोस्तों, ये जो स्क्रीन के ऊपर वीडियो आप लोग देख रहे हैं, ये वीडियो उत्तर प्रदेश के बरेली से सामने आ रहा है, जहां पर एक मेंटल डिस्टर्ब मुस्लिम बच्चे के माथे पर जय भोलेनाथ लिख दिया गया है। जबरदस्ती पकड़ के उसके माथे पर इस तरह से कुछ अराजक तत्वों के द्वारा जय भोलेनाथ लिखा गया है। आगे जिन लोगों ने यह कृत्य किया है उनके बारे में हम आपको जानकारी देंगे। साथ ही साथ योगी जी के राम राज्य की यहां पर पोल खुल गई है, इसकी भी जानकारी आपको देंगे। साथ ही साथ जो दूसरी बड़ी खबर आ रही, ये भी खबर उत्तर प्रदेश के हापुड़ से है, जहां पर एक मस्जिद के इमाम को कुछ लोगों ने पकड़कर पीटा है। उस जो इमाम साहब को गया, उनका गुनाह इतना था कि पानी भरने गई मुस्लिम महिलाओं के साथ दूसरे समुदाय के लोगों ने छेड़छाड़ की। जब बचाने का इमाम साहब ने प्रयास किया तब उनके साथ क्या सलूक किया गया है, यह आगे आपको बताएंगे। साथ ही साथ तीसरी बड़ी खबर आ रही है उत्तर प्रदेश के घोसी से, जहां पर उपचुनाव के मद्देनजर मदरसों को बंद किया जा रहा है और यहां पर खुलेआम दादागिरी की जा रही है। किस तरह से, इसके भी कई वीडियो फुटेज आपको दिखाएंगे। उससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे है दोस्तों, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। आपका एक एक शेयर लोगों तक यह खबर पहुंचा सकता है। और हां, वीडियो को लाइक भी करिए, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। बात करेंगे सबसे पहले खबर की। उत्तर प्रदेश के बरेली से जो खबर आ रही है, ये अपने आप में चौंकाने वाली खबर है। और ये खबर ये दर्शा रही है कि आज देश का माहौल किस तरह का बना दिया गया है, लोगों के दिलों में, दिमाग में, उनके अंदर किस तरह की नफरत भर दी गई है। मैं पहले आपको वीडियो दिखाना चाहता हूं, ये वीडियो देखिए। मैंने इस वीडियो को थोड़ा सा ब्लर किया हुआ है ताकि कुछ कंडीशंस हैं जिसकी वजह से, लेकिन इसमें जो चीजें कही जा रही वो आप सुनने का प्रयास करिए। यहां पर जो लड़का आपको दिखाई दे रहा है, ये मुस्लिम लड़का है, थोड़ा मतलब जो है दिमाग से डिस्टर्ब है, और उसको कुछ दूसरे समुदाय के लोगों ने पकड़ा। पकड़ने के बाद जय भोलेनाथ उसके माथे पर लिख दिया। किस तरह से उसके परिजन क्या करे सुनिए, उसके बाद आगे इसकी चर्चा करेंगे। इन लोगों ने इस तरीके से उसको करा, किसने लगाया, क्या नाम है इस बच्चे का? इसको हम सब बाबू कहते हैं, बचपन से इसको बाबू कहते हैं। ये विकलांग है ये? हाँ, ये दिमाग का ऐसी है, शुरू से बचपन से ही ऐसी है। किसने लिखा ये नाम है इसको? ये स्वामी ने। कहाँ रहते हैं वो? ये स्वामी घर ही रहता पीछे। तो जैसा कि दोस्तों आप लोगों ने ये वीडियो देख लिया है, परिजनों का क्या कहना है, किन लोगों के ऊपर वो आरोप लगा रहे हैं, ये वीडियो आपके सामने है। उत्कर्ष नाम के ट्विटर हैंडल पर ये वीडियो पोस्ट किया गया, इसमें और दावा किया गया है कि युवक के माथे पर दाग दिया जय भोलेनाथ। यूपी के बरेली में शादाब नाम के युवक पर मानसिक रूप से कमजोर दानिश के माथे पर औजार गर्म करके जय भोलेनाथ लिखने का आरोप, परिजनों का हंगामा। ये उत्तर प्रदेश का हाल है जहां पर योगी जी ने रामराज स्थापित किया हुआ है। आज यूपी में क्या कुछ हो रहा है, किस तरह से लोगों को टारगेट किया जा रहा है, ये तमाम चीजें आपके सामने हैं। उसके बावजूद भी इसकी चर्चा ना तो मीडिया में होती है ना बीजेपी के नेता करते हैं। अगली खबर की बात करेंगे जो कि सामने आ रही है उत्तर प्रदेश से ही, जहां पर हापुड़ में एक मस्जिद के इमाम को कुछ लोगों ने। दोस्तों मैं आपको वो खबर दिखा रहा हूं, आप देख सकते हैं जर्नो मिरर की ये खबर। पानी भरने गई मुस्लिम महिलाओं के साथ दूसरे समुदाय के लोगों ने की छेड़छाड़। घटना का की वीडियो बना रहे मस्जिद के इमाम की, यहां पर उन्हीं लोगों ने पिटाई है। अब सवाल ये खड़ा होता है कि पहले तो बच्चियों के साथ, महिलाओं के साथ छेड़खानी की जा रही है,
जब उसका वीडियो बनाने का प्रयास किया जा रहा है, उन लोगों को एक्सपोज करने का प्रयास किया जा रहा है जो लोग ये कृत्य कर रहे हैं, तब पकड़कर उसी इमाम को पीट देते हैं जो इन तमाम चीजों को अपने कैमरे में कैच कर रहे थे। अब सवाल यह खड़ा होता है कि गृह मंत्री अमित शाह से लेकर के बीजेपी के कई नेता बड़े बड़े दावे करते हैं, ये कहते हैं कि जब से उत्तर प्रदेश के अंदर बीजेपी की सरकार आ गई है तब से महिलाएं चाहे तो 12 बजे रात को रोड के ऊपर निकलकर घूम सकती हैं। लेकिन आप देख सकते हैं कि 12 बजे रात की बात तो दूर, यहां पर 12 बजे दिन में महिलाओं के साथ क्या हो रहा है, ये वीडियो खबर आपके सामने है। एक समुदाय को लगातार टारगेट किया जा रहा है। खैर, ये एक समुदाय का मामला नहीं है, ये मामला पूरे यूपी का है और तमाम समुदायों का है देश के अंदर। मतलब जो है अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए नेताओं ने, कुछ संगठन से जुड़े हुए लोगों ने लोगों को इस तरह से नफरत के दलदल में ढकेला है, उसी का नतीजा आपके सामने है। अब आपको एक और खबर दिखाते हैं दोस्तों, ये खबर घोसी से सामने आ रही है। मैं आपको स्क्रीन के ऊपर एक वीडियो दिखा रहा हूं, ये वीडियो आप देखिए। दरअसल ये वीडियो जामिया अमजदिया समेत घोसी के सभी मदरसों को सरकार ने जो बंद कर दिया है वहीं के बच्चों का है। आप देख सकते हैं बच्चों को मदरसों से निकाल दिया गया है और मदरसों को बंद किया गया है, और सभी जो तलबा थे, जो स्टूडेंट्स थे, उनको घर भेज दिया गया है। तकरीबन सभी चले गए हैं। अमजदिया के कुछ शिक्षक थाने ले जाए गए और काफी पुलिस वहां तैनात है। कहा जाता है कि चुनाव की वजह से ये काम किया गया है, लेकिन इससे पहले ऐसा कभी नहीं हुआ, ये लोगों का कहना है। यानी कि घोसी के अंदर जो उपचुनाव होने वाला है उसके मद्देनजर मदरसों को बंद किया जा रहा है। ये कौन सा मतलब जो है कानून में लिखा हुआ है कि आप मदरसों को बंद कर देंगे? उपचुनाव हो रहा है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का ही जिम्मेदारी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो इलेक्शन करवाए, लेकिन आप किसी मदरसे को बंद कर देंगे उसके पीछे? इसका लॉजिक समझ में नहीं आया। लोग लगातार सोशल मीडिया पर यही सवाल कर रहे हैं, क्योंकि आपको पता होगा जब किसी राज्य या किसी विधानसभा में या कहीं भी इलेक्शन होता है तो वहां पर सुरक्षा का भी इंतजाम किया जाता है, वहां पर पुलिस फोर्स भी तैनात की जाती है। उसके बावजूद भी यहां पर मदरसों को टारगेट करना, ये मतलब चीजें समझ में नहीं आ रही, आखिर क्यों किया जा रहा है? उत्तर प्रदेश के अंदर आपको पता होगा घोसी विधानसभा पर उपचुनाव आज वोट डाले जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले जिन चीजों का मैं जिक्र कर रहा हूं, जो चीजें सामने आ रही वो अपने आप में चौंकाने वाली है। यूपी के अंदर लगातार मदरसों को भी टारगेट किया जा रहा है, ऐसा भी लोग आरोप लगाते हैं, और उन आरोपों को अब सच वहां क्या में जिनकी ड्यूटी लगी है या जो यूपी सरकार का प्रशासन है वो आप देख सकते हैं सही साबित करता हुआ दिखाई दे रहा है। आप किस पर क्या राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक शेयर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।